लिम्रा न्यूज़, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सभी सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिम्रा न्यूज। तो पूरी तरह से इंडिया मना है गठबंधन, तो पूरा गठबंधन होगा। सीटों की शेयरिंग पे क्या फार्मूला बनाया जाएगा, इसकी चिंता मत करो। जब गठबंधन बना है और जो भी गठबंधन में घटक है वो सब मिलकर के सब कर ले। अच्छा, आजकल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सांड का मामला बहुत उठा रहे हैं, इससे सांडों की क्या है प्रदेश में? जिला पंचायत सदस्य ये तो पूरा प्रदेश जानता है जो परेशान है, और इस सरकार से पूरा प्रदेश परेशान है। तो इस तरीके से ये सांड और ये जानवर, छोटा जानवर और उनका इंतजाम कुछ किया नहीं सरकार, कोई इंतजाम नहीं, चारे का इंतजाम, पानी का इंतजाम नहीं। परेशानी है किसानों की, सब्जियों की महंगाई जो है, टमाटर है, प्याज है, अदरक है, जीरा है, लहसुन है, इस महंगाई पर क्या समाजवादी पार्टी कोई आंदोलन चलाने के? समाजवादी पार्टी ने अभी सत्र चला पूरी तरह से विधानसभा में ये महंगाई का मामला उठाया, लेकिन ये सरकार ऐसी है कुछ सुनना तो चाहती और कुछ करना भी नहीं चाहती, कुछ करना भी नहीं चाहती है। तो परेशानियां हैं जनता के सामने, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, वादे तो बहुत किए सरकार ने, लेकिन एक भी वादा पूरा अभी तक तो किया नहीं है। 9 साल में 7 साल यहाँ होने जा रहे हैं, केवल जनता को परेशानियां ही इस सरकार ने दी हैं। बिजली की समस्या कितनी है, कितनी महंगी बिजली, और वादा किया है 24 घंटे, यहाँ 24 घंटे बिजली आती है, कितने आती है, टिपिंग कितनी है, टिपिंग कितनी है 1 घंटे में। तो ये सब परेशानियाँ, तो महंगी बिजली, महंगी के बाद छापा भरते हैं, फिर FIR होती है, फिर जुर्माना होती है, फिर सेटिंग भी होता है, अधिकारी लोग सेटिंग कर रहे हैं। ये सड़क परिवहन पर बहुत पीठ थपथपाती है, ये जो एक्सप्रेस वे इन्होंने बनाए हैं उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तालाब बताया है, कहीं नदी बताई है, क्या उनमें स्थितियाँ ठीक नहीं है क्या, यमुना एक्सप्रेस वे या और भी? देखिए, जो ये बना है लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे, इसका कोई मुकाबला नहीं, ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने बनवाया। अब चले जाइए बुंदेलखंड, चले जाइए पूर्वांचल। एक CAG रिपोर्ट भी आई है, 18 करोड़ का, 250 करोड़ का टेंडर दे दिया, और उसमें क्या है उसमें मामला? लेकिन सबसे भ्रष्ट सरकार अभी तक के, सबसे जितनी भी सरकारें रही सबसे भ्रष्ट सरकार है।